प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपना ग्रेविटेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीवी का 32 क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्वेश्चन तक लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे। अब जो क्वेश्चन करेंगे अपन, वो कौन सा करेंगे? 32 क्वेश्चन। तो आइए मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, देखो मैं इसको पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? इस सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg इज सपोज टू ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। क्या कह रहा है कि मास ऑफ सैटेलाइट क्या है? 1000 kg। ठीक है, ये सैटेलाइट का मास है। इज सपोज टू ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि ये अपनी अर्थ है, धरती माता है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से जो बता रहा है भाई, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जो हाइट है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर। अच्छा भाई, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट कितनी ऊपर है, यानी कि हमसे 2000 किलोमीटर की हाइट पे। और रेडियस ऑफ अर्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, है ना। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो टोटल अगर हाइट की बात करें अर्थ के सेंटर से, तो क्या हो जाएगी बच्चों? आर प्लस एच, रेडियस है 6400 किलोमीटर, प्लस कितनी हाइट है? 2000 किलोमीटर। तो टोटल क्या हो जाएगी बच्चों? 8400 किलोमीटर। बोलो भाई, समझ में आ गया? चलो आओ आगे देखो। क्या कह रहा है कि फाइंड इट स्पीड इन द ऑर्बिट। अपने को क्या बतानी है? सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रही तो अपने को इसकी स्पीड बतानी, मतलब क्या बतानी है? ऑर्बिटल स्पीड। क्या बतानी है बच्चों? पहले पार्ट में अपन को ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? फॉर्मूला अपने पास क्या आता है बच्चों ऑर्बिटल स्पीड का? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gmp/r। अच्छा सर, ये होता है √gmp/r। तो रूट जी, जी कितना होता है? 6.67 × 10⁻¹¹। एमपी क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। जो फिक्स है वो प्लेनेट जो रोटेट कर रहा है वो क्या होगा? सैटेलाइट होता है। क्या होता है? सैटेलाइट। तो एमपी मास प्लेनेट, अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻²⁴ kg अपॉन आर। आर अपने पास क्या आएगा बच्चों? 8400 किलोमीटर। तो 8400 और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अपन इस सारे को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ध्यान रखना, यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में। किस में आएगा? मीटर में। उसको अपन बाद में किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। किस में बदल लेंगे? किलोमीटर में। ठीक है ना, देखो, है ना। नेक्स्ट देखो, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है बच्चों? देखो भाई सुनो, इट्स काइनेटिक एनर्जी। अपने को क्या बतानी है? सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है। तो बहुत आसान है, क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की? क्या होगी? 1/2 mv². ms किसका मास है बच्चों? सैटेलाइट का। किसका मास है? सैटेलाइट का। तो क्या आ जाएगा भाई? 1/2 × क्या आ जाएगा सर? ms आ जाएगा 1000 kg और v² अपने स्पीड अपन ने निकाल ली। क्या आई बच्चों? 6.9 किलोमीटर। किस में बदल देंगे? मीटर में। किस में बदलेंगे सर? मीटर में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगी? 6.9 × 10³ और सारे का स्क्वेयर, और सारे का स्क्वेयर। तब अब इसको सोल्व करेंगे, आप कर लेना इसको सोल्व। तो अपना आंसर आ जाएगा 2.38 × 10⁻¹⁰ जूल। 2.38 × 10⁻¹⁰ जूल। ठीक है भाई, अच्छी बात है ना। और जो नेक्स्ट अपने पास पूछा गया वो क्या पूछा गया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछा गया है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप सभी जानते हैं, एटम्स में भी आपने पढ़ा है, एटम वाले चैप्टर में, एटम न्यूक्लियस 12th में, है ना, हर जगह पढ़ा है हमने। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? −2 × काइनेटिक एनर्जी। 11th में वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? −2 × काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 2.38 × 10⁻¹⁰ जूल। तो इसको अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4.76 × 10⁻¹⁰ जूल। क्या आ जाएगी बच्चों? 4.76 × 10⁻¹⁰ जूल। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, इसका डी पार्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। क्या पूछ रहा है बच्चों? टाइम पीरियड। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसको कहाँ लिख देता हूँ मैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा के। किसको मिटा के?
इसको मिटा के, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 6.28, आर कितना है 8400 किलोमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 84 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर, 10 रेज टू पावर 5 मीटर अपॉन स्पीड, स्पीड क्या आई थी बच्चों 6.9 किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में तो ये आ जाएगा। तो यहां से जो टाइम आएगा बच्चों किस में आएगा, सेकंड में, किस में आएगा सेकंड में। जब अपन उसको आवर्स में बदलेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.01 आवर्स। कैलकुलेशन है सर वो तो हम खुद ही कर लेंगे, है ना, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर लोगे। चलो भाई